हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आई होप कि आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ने की सीखने की जर्नी एकदम बढ़िया चल रही है आज के लेक्चर में हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं अभी तक की सीरीज में आपने रिसेंटली स्टैक और क्यूज के वन शॉट्स देखे हैं लिस्ट आपने करा कराए लिंक टैक क्यूज आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया है अभी तक आज के लेक्चर के बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क के बाद हम लोग हैश मैप्स प्रायोरिटी क्यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग आगे के टॉपिक्स पे बैक ट्रैकिंग ये सब कवर कर रहे होंगे कोर्स में आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट लेक्चर है इन टर्म्स ऑफ कि ये ऐसा दो तीन घंटे का वन शॉट नहीं होने वाला है इट इज बी अ शॉर्ट लेक्चर एक नॉलेज गैप को फिल करने वाला लेक्चर है क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क की कुछ कुछ चीजें हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जावा डॉट यूटेल डॉट एर टैग ये सब आपने ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज किया हुआ है राइट right? बट एक यूनिफाइड वे कि यार कलेक्शन फ्रेमवर्क में और क्या क्या चीजें आती हैं ये जो भी क्लासेस हैं इनके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं कौन से इंटरफेसेस हैं ये सारा एक यूनिफाइड तरीके से हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ठीक है सो so बेसिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है क्या क्या चीजें कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एग्जैक्टली exactly आती हैं जो चीज़ें आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे वो एक्जैक्टली कहाँ बिलोंग करती हैं राइट right? और उसके अलावा क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने की जरूरत क्या है और क्या यूज़ आता है या देखो पहला यूज ये है कि लेट्स से आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हो या फिर आप एक इंटरव्यू का प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट दे रहे हो जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होता है जो यूजली दो घंटे के होते हैं राइट या फिर कम उससे भी कम के होते हैं बेसिकली टाइम कम होता है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है अब इस तरह की सेटिंग में आप डेटा स्ट्रक्चर स्क्रैच से तो नहीं इंप्लीमेंट करोगे तो वहाँ हम क्या करते हैं हम कलेक्शन फ्रेमवर्क से डेटा स्ट्रक्चर उठाते हैं और डायरेक्टली यूज कर लेते हैं तो हमें स्क्रैच से इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता एंड सेकेंडली कलेक्शन फ्रेमवर्क में ये जो भी सारी इंप्लीमेंटेशन है सारे मेथड्स हैं ये हाईली ऑप्टिवाइज हैं सो वी डोंट है सेम so टाइम well. हमें पता होना चाहिए कि इंटरनली कैसे चीजें काम कर रही हैं क्या इम्प्लीमेंटेशन है फॉर एग्जाम्पल स्टैक में आपने करा होगा स्टैक्यूज आपने इंप्लीमेंट किए होंगे यूजिंग आर एज एंड लिंग सो यू शुड नो की हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड बट वेन इट वेन द टाइम कम्स टू यूज दम वन दैन देर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम then just use from the collections framework theek hai and the third thing is the usage kis tarah se hum un classes ko use kar sakte hain methods ko use kar sakte hain kon kon se methods hain collection framework ke andar jitni bhi important classes hain सबका usage आज के lecture में हम लोग देखने वाले हैं सारे interfaces जो important हैं सारे methods classes जो important हैं आज के lecture में हम लोग देखेंगे ठीक है so beginning with वाटर collections

क्लासेस एंड इंटरफेसेस अब यार क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी पता है मोस्टली बच्चों को क्लास तो अभी तक पता ही होगी कि क्ला क्या क्या होती है क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट वन जो राघव सर ने रिलीज किया था उसमें भी उन्होंने पढ़ाया है कि क्लास क्या होती है इंटरफेस एक वर्ड है जो शायद कुछ लोगों को पता हो और कुछ लोगों को नहीं पता हो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज में ही कवर होना भी बाकी है जो पार्ट टू पार्ट थ्री आएंगे उसमें इंटरफेस डिटेल में कवर होगा इंटरफेस के अराउंड जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर होगी बट क्योंकि इस लेक्चर के लिए हमें एक छोटा सा ओवरव्यू चाहिए इंटरफेस का तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में डीप डाइव करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंटरफेस क्या होता है जिन लोगों को पता है ऑलरेडी इंटरफेस क्या होता है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं बट विद इन टू थ्री मिनट्स विल जस्ट गो फॉर अ ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ व्हाट इज अ इंटरफेस ठीक है एक एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है लेट्स एक कार मेकिंग कंपनी है और किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियर ने क्लास सीवन बनाई ये कार का नाम है कार का मॉडल मान लेते हैं कोई सीवन एंड दैट पर्टिकुलर इंजीनियर मेड सम मेथड्स इन दिस क्लास की आर स्टॉप मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड गेट किलोमीटर्स बहुत सारे मेथड्स है स्टैंडर्ड मेथड method, जो सारी क्लासेस के अंदर होने चाहिए राइट इसल मेथड्स get model any kind of like you can think of n number of things like that ठीक अब यार एक नया इंजीनियर आता है और एक दूसरी कार बनाता है क्लास C2 टू विच इज अनदर कार C2 टू इज अनदर कार एंड ये अपनी कार को डिजाइन करते वक्त कुछ कुछ मेथड्स इसमें फिर से इंप्लीमेंट करता है कि यार मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड इस तरह से राइट सिमिलर मेथड्स ये भी इम्प्लीमेंट करता है इसमें यहां पर इम्प्लीमेंटेशन है सारी राइट ये सब है। मतलब मेथड की बॉडी भी प्रेजेंट है कि क्या हो रहा है है ये चीज भी साथ साथ डिफाइंड स्टॉप गेट सब कुछ अब यार सोचो गलती से क्या हुआ कि यार ये जो दूसरा वाला इंजीनियर था ना ये स्टॉप मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही भूल गया कार में ब्रेक ही नहीं लगे ठीक है वेरी लेस चांसेस ऐसा होगा बट हो तो सकता है ना कंसिस्टेंसी द आइडिया हि कि सारी क्लासेस के सारे मेथड्स को कंसिस्टेंट रखना इज नॉट दैट इजी जब बहुत सारी चीजें हैं तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए ठीक है तो यहाँ पिक्चर में आता है इंटरफेस इंटरफेस क्या होता है ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्लास यार कोई भी क्लास कैसी दिखेगी क्या क्या मेथड्स इंप्लीमेंट करेगी इस चीज को मैंनेडेट कर देना इस चीज को कंपलसरी बना देने में हेल्प करता है हमारी इंटरफेस बेसिकली इट इज ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्लास। अगर मैंने इंटरफेस कार बना दिया एक इंटरफेस बना दू अगर मैं कार ठीक है और उसके अंदर मैं एन नंबर ऑफ मेथड्स डिक्लेयर कर दू ये एन नंबर ऑफ मेथड्स लेट से डिक्लेयर कर दिए हमने इसमें अब यार यहां पे ये देखना ये जो इंटरफेस होता है ना इसमें सिर्फ मेथड की डिक्लेरेशन होती है इनमें बॉडी नहीं होती ठीक है तो देर विल नॉट बी कि ये चीज इंटरफेस में प्रेजेंट नहीं होगी सिर्फ एक स्टॉप मेथड है ये लिखा होगा ठीक है अभी जो भी कार बनने वाली है चाहे सी वन कार हो चाहे सी टू कार हो कोई भी सी थ्री सी फोर एनी कार दैट विल बी मेड विल बी मेड यूजिंग दिस इंटरफेस कार सो इट विल बी रिटर्न क्लास सी वन इंप्लीमेंट्स कार क्लास सी टू इंप्लीमेंट्स कार ठीक है, वन मोर थिंग ये जो मेथड्स होते हैं ना जिनकी बॉडी नहीं होती है इनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोलते हैं तो एक इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं किसी भी मेथड की बॉडी नहीं होती इंटरफेस के अंदर ठीक है लेकिन जो भी क्लास किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उसे सारे के सारे मेथड की बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि अगर सीवन क्लास ने कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो कार इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स थे उन सब की डिक्लेरेशन और उन सब की इम्प्लीमेंटेशन उनकी बॉडी उनका क्या लॉजिक है ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा C1 कार ठीक है अगर C2 कार इम्प्लीमेंट कर रही है कार को अब यहाँ पर स्टॉप लगाना भूल नहीं सकते क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो एरर दे देगा कि यार ये आप कार को इम्प्लीमेंट कर रहे हो लेकिन कार में तो एक स्टॉप मेथड है जो आपने बनाया ही नहीं है ठीक है तो समझ गए क्या होता है क्रक्स क्या है इस चीज का कि इंटरफेस इज ब्लू प्रिंट ऑफ अ क्लास इंटरफेस के अंदर सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ डिक्लेरेशन होती है उनकी बॉडी उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड की गई होती है कोई भी क्लास जब किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो एक तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज किया जाता है ये कीवर्ड है ठीक है ये यूज किया जाता है और ये जो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है इट मस्ट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दी फंक्शन मेथड्स दैट इंटरफेस हैज ठीक है इतना जानना अभी हमारे लिए काफी है इंटरफेस के बारे में एंड एज आई सेट ऊप् के लेक्चर में उपस की सीरीज में आप इंटरफेस डिटेल में भी पढ़ोगे अभी के लिए हमारा इतना नॉलेज काफी है टू अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ ओके सो टू स्टार्ट विथ कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन फ्रेमवर्क में यार ऑन हाई लेवल ऑन टॉप लेवल कुछ इंटरफेसेस प्रेजेंट है कलेक्शन इंटरफेस मैप इंटरफेस ठीक है देखो कलेक्शन इंटरफेस और कलेक्शन फ्रेमवर्क दो अलग चीजें हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर एक इंटरफेस है जिसका नाम कलेक्शन है तो एक एक इंटरफेस है कलेक्शन इंटरफेस एक इंटरफेस है मैप इंटरफेस और भी है पर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं ठीक है अब यार ये जो कलेक्शन इंटरफेस है इसके अंदर कुछ सब इंटरफेसेस हैं लिस्ट इंटरफेस क्यू इंटरफेस डेक इंटरफेस सेट इंटरफेस ये सारे इसके चाइल्ड इंटरफेसेस हैं ये भी इंटरफेसेस ही हैं एक इंटरफेस का सब इंटरफेस भी हो सकता है आप इसको सब इंटरफेस बोल सकते हो या चाइल्ड इंटरफेस बोल सकते हो और ये सुपर इंटरफेस है इनफैक्ट कलेक्शन इंटरफेस का भी एक सुपर इंटरफेस है जो कि आई ट्रेवल इंटरफेस है ठीक है कमिंग बैक टू लिस्ट क्यू डेक एंड सेट सब इंटरफेसेस ये सब इंटरफेसेस हैं अब देखो क्लासेस क्या करती हैं इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हैं ठीक है तो ये जो क्लासेस में जो एरोज लगे हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी क्लास कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है एरे लिस्ट क्लास लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है वेक्टर क्लास लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है लिंक लिस्ट क्लास लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है लिस्ट क्लास इनफैक्ट क्यू और डेक इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर रही है ठीक है तो एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है ठीक है सो सिमिलरली यार अगर हम इधर आए सेट इंटरफेस पे तो सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली एक हैडसेट क्लास है एक लिंक हैडसेट क्लास है और सेट इंटरफेस के अंदर भी एक सब इंटरफेस है चाइल्ड इंटरफेस है जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है ट्री सेट क्लास और एक मैप मैप इंटरफेस एक इंटायरली अलग है ठीक है कलेक्शन इंटरफेस अलग है मैप इंटरफेस अलग है मैप इंटरफेस के अंदर हैश टेबल क्लास है हैश टेबल क्लास मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है हैश मैप मैप क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है और इसके अंदर एक सब इंटरफेस है सॉर्टेड मैप जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है ट्री मैप ठीक है जो भी मेन मेन इसके अंदर चीजें हैं वो हम आज के लेक्चर में अब देखने वाले हैं ठीक है लेट्स गो वन वन बाय कलेक्शन इंटरफेस डिस्कस करते हैं कलेक्शन इंटरफेस के अंदर लिस्ट सब इंटरफेस है क्यू सब इंटरफेस है और सेट सब इंटरफेस है यार पे देखो आई जहां पर लिखा हुआ है दिस दिस पर्पल कलर इज इंटरफेस ये इंटरफेस ये इंटरफेस ये इंटरफेस और ये जो लाइट कलर्ड है ये क्लास है ठीक है एंड दिस आई रिप्रेजेंट्स इंप्लीमेंट्स दिस ई रिप्रेजेंट्स एक्सटेंड्स कि भाई क्यू सब इंटरफेस ने क्यू इंटरफेस ने एक्सटेंड किया है कलेक्शन को ठीक है इनहेरिटेंस के लेक्चर में आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बट अभी भी ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इट्स फाइन राइट बस इतना है कि एक स... एक इंटरफेस इंटरफेस का सब हो सकता है जो सब इंटरफेस होता है वो चाइल्ड इंटरफेस होता है अपने पेरेंट इंटरफेस का और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सटेंट्स हम अभी यहाँ पर ई यूज कर रहे हैं एक्सटेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है कि क्यू एक्सटेंट्स कलेक्शन

collections interface official documentation ठीक है पहला लिंक आएगा ये ऑरिकल वाला इसको खोलो एंड यू विल सी ऑल द हायर हियर जो जो चीजें अवेलेबल हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में डायरेक्टली आपको दिख जाएंगी एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू रेफर यही सोर्स ऑफ ट्रुथ है ठीक है तो यार देखो ये कलेक्शन इंटरफेस है यहां पर लिखा हुआ है कि इसका सुपर इंटरफेस कौन सा है आईट्रेबल और कलेक्शन इंटरफेस के कौन कौन से सब इंटरफेसेस हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे हमको नहीं पढ़ने हैं जो हम यूज करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए लिस्ट सब इंटरफेस क्यू सेट ठीक है और सारी क्लासेस भी लिखी हुई है कौन कौन सी क्लासेस इंप्लीमेंट करती है इसको ठीक है अब हमें क्या पढ़ना है जो मेन मेन मेथड्स हैं कलेक्शन इंटरफेस के वो देखने हैं तो स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पर ऑल मेथड्स आ जाएगा इसमें देखो आपको एड दिख रहा है क्लियर दिख रहा है कंटेंट दिख रहा है ये सारे के सारे मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस के अंदर हैं अब जो भी क्लास कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है या कलेक्शन इंटरफेस के सब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उन सारी क्लासेस में इन सारे मेथड्स की अपनी डिक्लेरेशन अपनी डेफिनेशन अपनी इम्प्लीमेंटेशन होगी ठीक है दे विल बी इंप्लीमेंटिंग ऑल दीज मेथड्स क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना अभी अभी हमने की इंटरफेस का इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं इम्प्लीमेंटिंग क्लासेज मस्ट इम्प्लीमेंटोज वो कोई अपना class है, ये इन methods को, इन methods को, जितने भी हैं ये इनको इम्प्लीमेंट इनकी डेफिनेशन तो देगी ही देगी बट लेट से ना सन रूफ भी है सी टू कार के अंदर जो सीवन में नहीं थी तो सी टू हैज दी फ्रीडम टू एट अनदर मैथड एंड लेट्स एपन सन रूफ तो अपने खुद के मेथड्स भी कोई एक क्लास इंट्रोड्यूस कर सकती है अपार्ट फ्रॉम इंटरफेस बट इंटरफेस वाले तो उसको कंपलसरी कंपलसरी रखनी है है ठीक कमिंग बैक टू द इंपॉर्टेंट मेथड हो गया क्लियर हो गया कंटेन इक्वल रिमूव साइज ये स्टैंडर्ड हैं जो बहुत ज्यादा यूज आते हैं ठीक है हम सारे मेथड्स को अपने अपने क्लास के अंदर अपने अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे ठीक है के के अंदर चलो हमें जिस भी के classes पढ़ने हैं जो भी पढ़ना है हम ना ऑफिशियल को रेफर करेंगे आप इस लिस्ट पे क्लिक करो ठीक है पे क्लिक करोगे आप तो आप लिस्ट इंटरफेस पे पहुंच जाओगे और इसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा कि यार कौन कौन सी क्लासेस हैं जो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। अगेन जो मेन मेन है वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए एरे लिस्ट हो गई लिंक लिस्ट हो गई और स्टार्ट किया ये हमको देखना है ठीक है और लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स कौन-कौन से हैं ये भी देख सकते हैं हम लोग ये सारे यार लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स है मेन मेन ठीक मेन मेन हम लोग देखेंगे भी अभी यूज करके एक बार इन डेटा स्ट्रक्चर्स को इनको हम समझ लेते हैं ब्रीफ में आई नो आपको इनमें से कुछ ऑलरेडी पता होंगे बट एरे लिस्ट क्या होता है एरे लिस्ट सिमिलर टू एरेज ही होता है लिस्ट ठीक है एरे जैसा ही होता है बट डायनेमिक साइजेबल लाइक रिसाइजेबल होता है अनलाइक एरेज अनलाइक दी स्टैंडर्ड एरेज क्लासिक एरेज लिंक लिस्ट भी आप लोगों ने रिसेंटली पढ़ी है कि लिंक लिस्ट में क्या होता है लीनियर Linear ही लीनियरली अरेंजमेंट होता है सिक्वेंशियली अरेंजमेंट होता है पर नोट होती हैं और नोट्स में क्या होता है खुद की कोई एक तो वैल्यू होती है और अगली नोट का एड्रेस होता है हर एक नोट में ये चीज होती है लिंक लिस्ट लुक लाइक दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर राइट स्टैक क्या होता है स्टैक ज अफो बेस्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब हम एक किसी हम लोग शादी में जाते हैं और प्लेट्स देखते हैं वहां रखी हुई ठीक है तो प्लेट्स किस ऑर्डर में ऐसे रखी होती है ना प्लेट्स एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट फिर एक प्लेट स्टैक बना होता है एक पाइल बना होता है प्लेट्स का और इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट हमें दिखता है क्या मतलब है उस बात का कि यार सबसे पहले देखो फर्स्ट प्लेट रखी गई थी फिर सेकेंड प्लेट रखी गई फिर थर्ड फिर फोर्थ तो जब इनको उठाने की बात आएगी आप खाना लेने जाओगे तो वो बात अलग है मतलब आप बीच से निकाल सकते हो बट वैसा नहीं करना होता है ऊपर से उठाना होता है ठीक है तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी गई थी सबसे पहले उसको हटाया जाएगा तो लास्ट इन प्लेट कौन सी थी फोर्थ तो सबसे पहले जो रिमूव होगी ना प्लेट वो फोर्थ ही होगी ठीक है तो फोर्थ रिमूव हो गई फोर्थ से पहले सेकेंड लास्ट कौन सी थी अगला नंबर उसका आएगा तो थ्री ठीक है तो बेसिकली द इंटेंट हियर इज कि जो प्रोसेसिंग होती है स्टैक के अंदर वो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में होती है जो सी सबसे लास्ट में गई वो सबसे पहले प्रोसेस होगी ये स्टैक होता है ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे अब हम इन तीनों ही क्लासेस की ये इंपॉर्टेंट है तीनों क्लासेस इनके मेन मेन मेथड्स हम लोग देखेंगे इनको यूज करना हम सीखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर से ठीक है एरे लिस्ट क्लास मैंने खोल ली है यहाँ पर ArrayList क्लास के आप सारे मेथड्स यहाँ से रेफर कर सकते हो आई थिंक की बेस्ट जो रिसोर्स है रेफर करने के लिए वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही है इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इज द बेस्ट रिसोर्स टू रिलाई ऑन ठीक है सो so, हम मेन मेन मेथड्स को यार ArrayList के इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं लेट्स कोड इट देन अब हम लोग एक क्लास के अंदर हैं। लिस्ट इंटरफेस एग्जाम्पल्स मेन मेथड हमने बनाया स्टैटिक वॉइड एरे लिस्ट एग्जाम्पल्स नाम का एक मेथड बनाते हैं लेट्स मेक अ न्यू एरे लिस्ट इन इट एक इंटीजर की एरे लिस्ट हम लोग बना रहे हैं लेट्स कॉल इट एल एंड न्यू एरे लिस्ट वी हैव ऑलरेडी डन इट ठीक है बट मे बी देर देर कुड बी पीपल हु आर वाचिंग जस्ट दिस लेक्चर सो फॉर दैट सेक आई विल Add some some methods methods here. here. I'll demonstrate some methods here. So dot to teen क्या होता है उसके बाद list को हम directly print कर सकते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा अगर हमें कोई element retrieve करना है तो हम एल डॉट गेट डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे और इंडेक्स पास करेंगे और ये ना वन बेस्ड इंडेक्सिंग होती है फर्स्ट so, इंडेक्स पे क्या है तो फर्स्ट इंडेक्स इज दिस टू तो यहाँ पर टू आना चाहिए एक और जो कॉमन मेथड हम देखते हैं वो सेट है एड से तो आप एड कर रहे थे बट आपको लेट्स किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे मॉडिफाई करना है एलिमेंट ठीक है तो इससे हम मॉडिफाई एट इंडेक्स कर सकते हैं इंडेक्स पहला पैरामीटर है और ये भी ना आप यहाँ पे हवर करके देख सकते हो यार के अंदर ना डॉट सेट पे यू कैन सी कि सेट पहले इंडेक्स लेता है एंड देन एलिमेंट लेता है ठीक डॉट सेट एंड नाउ इफ यू विल प्रिंट इट इट शो यू समथिंग अनदर मेथड दैट यू कैन सी इज द डॉट कंटेंट्स आप इसको एक नंबर लेट्स टेन पास करते हैं टेन तो होना चाहिए तो यहाँ पर ट्रू आना चाहिए राइट लेट्स रन इट एंड सी आउटपुट ओके वी हैव टू कॉल दिस मेथड फ्रॉम द मेन एरे एग्जाम्पल्स को कॉल करते हैं एंड नाउ लेट्स रन इट सो वन टू थ्री टू वन टेन थ्री यहाँ पर वन टेन थ्री हो जाना चाहिए था ना क्योंकि हमने चेंज कर दिया है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू ठीक है, so, this is working as expected. ये ये का हो गया। अब यार एक और चीज़, ये जो collection framework के अंदर जितनी भी हैं, चाहे लिस्ट है है, stack है, जो भी भी हम और आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब सारी की सारी चीजें जावा डॉट यूटेल पैकेज के अंदर अवेलेबल है तो आप जावा डॉट यूटेल डॉट स्टार इम्पोर्ट करके रख लो अलग अल, 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 अलग 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 इम्पोर्ट अगर आप नहीं करना चाहते हो सब साथ में इम्पोर्ट हो जाएगा ठीक है एरे लिस्ट के बाद दोनों ही क्लासेस एरे लिस्ट हो गई ये इम्प्लीमेंट करती हैं ठीक है तो लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं एड जो हमने अभी देखे भी हैं कंटेन्स गेट ये सारे मेथड्स एरेलिस्ट क्लास भी इम्प्लीमेंट कर रही होगी देखो एरेलिस्ट के आप मेथड देख लो जाके ये सारे मेथड्स इसके अंदर होंगे एंड इफ यू गो टू लिंगलिस्ट लिस्ट के के अंदर भी ये सारे के सारे मेथड्स होंगे क्योंकि दोनों ही लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है तो अगर हमें लिंग लिस्ट की डिमोन्स्ट्रेशन देखनी है लिस्ट हम बिल्कुल सिमिलर तरीके से बना सकते हैं सारे के सारे मेथड्स ये लिस्ट में भी अवेलेबल हैं एरे लिस्ट के साथ साथ ठीक है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली हर क्लास अपनी अलग देती है बट हाँ मेथड का नाम सबका सेम है ठीक तो लिंक्ड लिस्ट अगर हमें एरे लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट बनानी है और सेम मेथड्स डिमोन्स्ट्रेट हो जाएंगे तो हम इसमें बस एरे लिस्ट की जगह लिस्ट करेंगे एंड ये सेम कोड कोरियर लिस्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन का भी काम कर जाएगा ठीक है सो so, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है लिस्ट के बाद वी हैव स्टैक के अंदर कुछ स्पेशल मेथड्स अवेलेबल हैं वो हम लोग ट्राई कर लेते हैं स्टैक के अंदर मेथड कौन कौन से हैं देखो एक है एम टी है, है और ये रिटर्न करता है बुलियन ठीक है कि यार अगर ट्रू है एम टी है stack, तो करेगा, करेगा. आपने यहाँ पर क्लिक करके नीचे भी इसके डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हो यहाँ पर अच्छे से लिखा होगा कि इट टेस्ट इफ द स्टैक इज एमटी वॉट इट रिटर्न राइट ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी पीक क्या करता है पीक स्टैक के टॉप पर जो भी पड़ा हुआ है इस वक्त उसको ला करके रिटर्न करता है पॉप क्या करता है रिमूव करता है टॉप पे जो पड़ा हुआ है उसको रिटर्न करता है प्लस रिमूव भी कर देता है ठीक है लेट्स डिमॉन्स्ट्रेट दम क्विकली स्टैटिक वाइट स्टैक एग्जाम्पल स्टैक बनाते हैं स्ट्रिंग का स्टैक बनाते हैं चलो stack is equal to new stack ठीक है ठीक है तो pw पहले stack के अंदर देखो कैसे arrangement होती है सबसे पहले सबसे नीचे pw गया होगा and then skills आया होगा तो अभी top पर क्या है अभी skill है top पर

द टॉप ऑफ दू पीक नाउ तो क्या आना चाहिए पीडब्ल्यू आना चाहिए ना राइट right? क्योंकि स्किल्स को तो पॉप कर दिया गया था तो अब टॉप पर पीडब्ल्यू बचाए और वॉट एल्स कैन वी डू वी हैव द साइज फंक्शन ऑल्सो एज आई टोल्ड यू आर ये कलेक्शन मेथड कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड है ये तो सारी ही क्लासेस के पास है तो साइज साइज वाला जो मेथड है ये हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं न डू एसआउट स्टैग डॉट साइज इस पॉइंट पे स्टैक का साइज कितना है सिर्फ एक क्योंकि सिर्फ पीडब्ल्यू पड़ा हुआ है एक मेथड और हमने देखा था एम टी वी कैन चेक की क्या स्टैक एम टी है या नहीं बहुत यूज आता है, ये वाला जो है ना जब तक स्टैक एम टी नहीं हो जाता वाइल्ड कंडीशन में हम लोग ये यूज करते हैं काफी ज्यादा ठीक है ये इम्पोर्टेंट मेथड है तो स्टैक एम टी है गॉइट पे राइट सो फॉल्स आना चाहिए यहाँ पे स्टैक डॉट क्लियर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ठीक है स्टैक डॉट स्टैक एग्जाम्पल्स को कॉल करते हैं अब बहुत सारे मेथड्स हैं यार बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम डिमॉन्स्ट्रेट करके देख सकते हैं बट जो हमारे स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक हमारे कलेक्शन के स्पेसिफिक मेथड्स हैं जो करेंटली इंपॉर्टेंट हैं उस चीज के लिए वो हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एरेलिस्ट पर एक काम करते हैं कॉमेंट कर देते हैं सिर्फ स्टैक का आउटपुट देखते हैं स्किल्स स्किल्स पीडब्ल्यू वन फॉल्स एग्जैक्टली जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आ रहा है तो so, so, हमने लिस्ट इंटरफेस के अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उनका यूजेज और उनके मेथड्स देख लिए हैं। द नेक्स्ट इंटरफेस इन साइड द कलेक्शन इंटरफेस दैट वी वॉन्ट टू लुक एट इज दू सब इंटरफेस लिस्ट सब इंटरफेस हमने देख लिया है अभी हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन इंटरफेस पढ़ रहे हैं ठीक है कलेक्शन इंटरफेस के अंदर हमने लिस्ट सब इंटरफेस कवर कर लिया है लिस्ट सब इंटरफेस के बाद अब हम क्यू सब इंटरफेस कवर करने जा रहे हैं क्यू सब इंटरफेस क्या होता है क्यू क्या होता है पहले तो क्यू व्हाट इज अ क्यू सो लिस्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्यू विल डू नाउ व्हाट इज अ क्यू यार क्यू एक फीफो बेस्ड स्ट्रक्चर है स्टैक लीफो बेस्ड था लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस स्ट्रक्चर होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी क्यू लगी हुई है एक लाइन लगी हुई है सिक्योरिटी चेक के लिए ठीक है एक सिक्योरिटी पर्सनल है जो कि चेकिंग कर रहे हैं और लाइन में हम लोग खड़े हुए हैं वन टू थ्री फोर सबको लेट्स से एक मूवी हॉल के अंदर जाना है मूवी देखने उस चीज के लिए सिक्योरिटी क्यू लगी हुई है अब तो यार जो इंसान पहले आता है वही पहले सिक्योरिटी चेक करवाता है उसी का पहले सिक्योरिटी चेक होता है और वही सबसे पहले क्यू से बाहर निकलता है तो जो सबसे पहले अंदर आया फर्स्ट इन वही सबसे पहले सिक्योरिटी क्यू से बाहर जाएगा फर्स्ट आउट दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ क्यू ठीक है सो इफ वी कॉल दिस एज द रियर एंड एंड कॉल दिस एज द फ्रंट एंड या फिर हेड कह लो इसको फ्रंट और हेड और दिस इज द रियर सो यार जो एलिमेंट्स की एंट्री होती है वो सिर्फ रियर एंड से होती है और जो एलिमेंट्स का डिलीशन होता है वो फ्रंट एंड से होता है हेड से होता है क्यू के ठीक है सो दिस इज अ क्यू क्यू अब इंटरफेस के अंदर वॉट आर द लाइक वॉट आर द क्लासेज दैट इंप्लीमेंट क्यू इंटरफेस हम क्यू को कैसे यूज कर सकते हैं क्यू को इंप्लीमेंट करना आपने सीख लिया होगा लास्ट लेक्चर में क्यू के वन शॉट में अभी हम क्यू के फंक्शन को डायरेक्टली यूज करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क Collection collection के थ्रू कलेक्शन फ्रेमवर्क कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जो जो चीजें हैं ठीक है तो इंटरफेस क्यू के अंदर सब इंटरफेस है एक जो हमारे काम का है और इम्प्लीमेंटिंग में एक लिंग्लिस्ट क्लास और प्रायोरिटी क्यू क्लास ठीक है सो so बेसिकली जो लिंगलिस्ट क्लास होती है वो क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है अब क्यू के अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं जो अलग मेथड्स हैं राइट वो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट मेथड है ऑफर ऑफर क्या करता है क्यू के अंदर एक एलिमेंट को इंसर्ट करता है ऑफर का मतलब ऐड करना ही हो गया ठीक है इंसर्ट करना अगर क्यू के अंदर हमें झांकना है पीक करना है कि भाई क्यू के फ्रंट में क्या चीज पड़ी हुई बता दो तो उसके लिए मेथड है पीक ठीक है पीक करोगे आप तो बता देगा बट यहां पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि इट रिट्री बट डज नॉट रिमूव राइट इट द हेड ऑफ द क्यू बट नॉट रिमूव इट पोल क्या करता है रिटर्न भी करेगा की फ्रंट पे क्या है head पे क्या है पर साथ साथ उसको रिमूव भी कर देगा यू विल सी पोल है और एक रिमूव मेथड है दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम सा ही लग रहा है पोल रिमूव दिमूव दिन पीक के साथ साथ एक सिमिलर मेथड और भी है पीक क्या, क्या करता है ये भी रिट्री बट डॉट रिमूव ये सेम ही काम कर रहे हैं तो ये अलग अलग मेथड्स क्यों हैं और इनमें क्या फर्क है लेट सी दैट क्लिक करो और डिस्क्रिप्शन पे आओ देखो एलिमेंट क्या करता है जो एलिमेंट मेथड है ये रिटर्न तो करता है हेड ऑफ द क्यू बट इट ऑल्सो थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज एम अगर आप एक एम टी क्यू से पूछोगे ना कि यार तेरे तेरे पास हेड पे क्या पड़ा हुआ है तो वो एक्सेप्शन देगा कि भाई एम टी यू मेरे को नो सच एलिमेंट है ना और अगर आप पीक करोगे एक एम टी क्यू के अंदर तो वो क्या रिटर्न करेगा वो नल रिटर्न करेगा एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा तो इन दोनों मेथड्स में यही डिफरेंस है और सिमिलर डिफरेंस पोल और रिमूव में भी है अगर आप रिमूव कॉल करोगे एक एमटी क्यू पे तो एक एक्सेप्शन आएगी लेकिन अगर आप पोल कॉल करोगे एक एमटी क्यू पे एक्सेप्शन नहीं आएगी वो तो नल रिटर्न कर देगा ठीक है तो एज पर आवर नीड एंड यूज केस वी कैन यूज ईदर रिमूव और पोल एंड एलिमेंट और पीक ठीक है नाउ लेट्स डेमोन्स्ट्रेट की क्यू का कैसे हम लोग ये फंक्शन वगैरह यूज कर सकते हैं अब यूज कौन सी क्लास है यार जो क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है हम लिंगलिस्ट क्लास को यूज करके क्यू के फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो ये जो क्यू के मेथड्स हैं ये सारे के सारे सारी क्लासेस ने इम्प्लीमेंट किए होंगे जो यहाँ पर है ठीक है तो हम लिंगलिस्ट यूज कर लेते हैं हम बेसिकली लिंगलिस्ट जो हम बनाएंगे उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये सारे के सारे मेथड्स होंगे तो हम एक लिंगलिस्ट को एज अ क्यू यूज कर सकते हैं जावा में दैट इज पॉसिबल ठीक है सो लेट्स गो टू क्यू इंटरफेस एग्जाम्पल्स वी हैव अ क्लास क्यू इंटरफेस एग्जाम्पल्स और हम क्यू का सबसे पहले नॉर्मल क्यू जो है उसका डिमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं क्यू एग्जाम्पल्स अब देखो लिस्ट के थ्रू हम क्यू बनाएंगे ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है आई होप कि आप ये बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो तो दोबारा देखो क्यू का जो इंटरफेस है उसके अंदर ये मेथड्स है ठीक है अब कोई भी क्लास जो कि क्यू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी वो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी ठीक है और लिंग्लिस्ट एक ऐसी क्लास है जो कि कर रही है आप एरे एरेडेक से भी बना सकते हो एरे एरेडेक को भी यूज कर सकते हो एज अ क्यू बट ये कॉमनली काफी लोग लिंगलिस्ट यूज करते हैं ठीक है सो वी विल ऑल्सो यूज लिंगलिस्ट जर आप अब ये एक्चुअल में लिंगलिस्ट की तरह हम नहीं उसको यूज करने वाले हम इसको क्यू की तरह यूज करने वाले हैं ठीक है तो क्यू ऑफर मेथड था ना क्यू में तो क्यू क्यू के इंटरफेस में तो क्यू डॉट ऑफर वन क्यू डॉट ऑफर टू एंड क्यू डॉट ऑफर थ्री सो so, यार जो इंसर्शन हुई होगी इसका क्या ऑर्डर रहा होगा एडिशन जो होती हो, होती है है वो बैक एंड से रियर एंड से तो जब टू एंटर होगा तो यहाँ एंटर होगा रियर एंड पे इफ दिस इज द रियर एंड एंड दिस इज द हेड ऑफ द क्यू और थ्री यहाँ एंटर होगा ठीक है तो इस पॉइंट पे क्योंकि फ्रंट पे क्या है वो चीज हम पता लगा सकते हैं क्यू डॉट पिक करके क्यू डॉट पिक करोगे आप फ्रंट पे वन है ठीक है एंड इफ यू पोल अगर हम पोल करेंगे तो क्या होगा पोल से रिमूव हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट है वन ही प्रिंट होगा विल ऑल्सो रिमूव वन तो अगर वन रिमूव हो गया सो दिस इज रिमूव तो अब हेड भी क्या है क्यू के टू सो नाउ इफ यू पीक क्यू डॉट पीक इफ यू डू देन वी विल सी टू ईर ठीक है एंड ऑल दो मेथड्स लाइक जो कॉमन मेथड्स हैं एम टी हो गया साइज हो गया ये सारे के सारे भी एप्लीकेबल हैं यहाँ पर एस आउट क्यू डॉट साइज़ हमने सिर्फ एक ही बार पोल किया है तो साइज टू होगा ठीक है दो एलिमेंट्स तो क्यू में अभी हैं ही टू और थ्री आप यहाँ पर क्यू को प्रिंट भी कर लो लास्ट में यार मेन मेथड में कॉल तो करना पड़ेगा ऐसे तो नहीं बात बनेगी तो क्यू एग्जांपल्स को कॉल करते हैं एंड एंड अब चलाते हैं सो फॉल्स टू बिल्कुल एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा आ गया तो यार इस तरह से जब भी हमें क्यू यूज करनी है हम इस तरह से क्यू बना करके लिंकलिस्ट के थ्रू लिंकलिस्ट बना करके उसको एज क्यू यूज कर सकते हैं ठीक है द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल सी नाउ इज प्रायरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू इज ऑलसो अफ क्यू बट इसमें फीफो बेस्ड प्रोसेसिंग नहीं होती है जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कुछ प्रायोरिटी से लेना देना है तो इसमें प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेसिंग होती है एक नॉर्मल क्यू में नॉर्मल क्यू के अंदर फीफो बेस्ड प्रोसेसिंग होती है लेकिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेसिंग होती है ठीक है अब यार इसका क्या मतलब है या देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो सबसे पहले आया उसी को सर्विस सबसे पहले मिलेगी किसी और बेसिस पे भी प्रायोरिटी डिसाइड हो सकती है बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एक मनी लेंडर है ठीक है जो कि मनी लेंड कर रहा है ठीक है अब बहुत सारे लोग इससे पैसा लेने आए हैं और ऐसे लाइन में मतलब इसके घर में लाइन में खड़े हुए हैं लोग लेकिन ये सबको पैसा नहीं दे सकता है इसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है सो so ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये किसको पैसे देगा या किसको पैसे नहीं देगा तो मे बी डेट कुड बी अ फैक्टर ये देखेगा कि यार ऑलरेडी कौन कितने उधार में है ठीक है मान लो कि इसके पास इसने ऑलरेडी एक लाख का उधार ले रखा था और इसके पास लेकिन सिर्फ पचास हजार का उधार था इसके पास दस हजार का था तो मनी लेंडर के लिए बेस्ट केस क्या होगा कि यार जो सबसे कम उधार वाला इंसान है ना पहले वो आ जाओ आगे लाइन में ये तो सुबह चार बजे आ जाए भले ही इसको तो नहीं देगा ये पैसे है ना क्योंकि यार इसने एक लाख रुपए नहीं वापस करे तो प्रायोरिटी मनी लेंडर के लिए प्रायोरिटी क्या है कि यार जो इंसान कम डेट में है मैं पहले उसको पैसे देगा ठीक है क्योंकि मेरे पैसे वापस मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है सो दिस पर्सन विल कम भले ही शाम को चार बजे आया था वो सुबह चार बजे आ गया था कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है और इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी क्या है जो डेट जिसका डेट कम है उसको प्रायोरिटी दोगा ठीक है तो यार ये होती है प्रायोरिटी क्यू यार प्रोसेसिंग जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड होगी और प्रायोरिटी डिफाइन हो सकती है प्रायोरिटी छोटे नंबर के ऊपर हो सकती है बड़े नंबर के ऊपर हो सकती है किसी और पैरामीटर के ऊपर हो सकती है ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो प्रायोरिटी क्यू हम लोग जाकर के बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू क्लास खोल लेते हैं एंड प्रायोरिटी क्यू में हम क्या क्या कर सकते हैं आप ये अगर आपने हीप वर्ड सुना है अभी आप जब पढ़ोगे, priority queue, heaps के, जब पढ़ोगे के लेक्चर आएंगे यू विल डू ऑल दिस अगेन लाइक उस उस टाइम पे तो हम पूरा लॉजिक समझेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट हो गया सब कुछ डिटेल में एकदम अभी हम सिर्फ यूजेज सीख रहे हैं ठीक है तो ये हमने क्यू के एग्जांपल्स देख लिए हैं। प्रायोरिटी क्यू के एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम प्रायोरिटी क्यू एग्जाम्पल प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू अब यार देखो जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू बनती है ना वो एक मिन प्रायोरिटी की होती है लेट मी कॉल इट एज मिन बी मतलब वो छोटे नंबर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है ठीक है जो जितना छोटा होगा वही आगे उसकी प्रोसेसिंग पहले होगी ठीक है एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं कि मान लो एड सबसे पहले ऐड कर रहे हैं टेन ठीक है तो जो नॉर्मल क्यू होती उसके अंदर टेन ही पहले प्रोसेस होता क्योंकि टेन पहले ऐड हुआ था पर इसमें ऐसा नहीं है मान लो टेन के बाद मैंने फाइव ऐड कर दिया और फाइव के बाद सेवन तो अब सबसे पहले पता है किसकी प्रोसेसिंग होगी जो सबसे छोटा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट मिन प्रायोरिटी क्यू बनती है तो सबसे छोटा कौन है फाइव सो इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई डू पीक तो यार फाइव आएगा यहाँ पे ठीक है द स्मॉलेस्ट एलिमेंट हैज दी हाइएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि मिन प्रायोरिटी क्यू है एक और चीज करते हैं यहां पे ना प्रायरिटी क्यू को प्रिंट भी करते हैं और देखते हैं कि में क्या प्रिंट हो रहा है इसको रन करते हैं क्यू एग्जाम्पल्स को कॉमेंट करते हैं एंड लेट्स कॉल क्यू देखो यार फाइव तो सही है फ्रंट पे हमें फाइव ही दिख रहा है, बट ये जो लास्ट के जो एलिमेंट्स है ना देखो आप यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि फाइव के बाद सेवन होगा कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं गारंटी होता गारंटी इज प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो भी टॉप मोस्ट है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट विल बी प्रोसेस्ड फर्स्ट। कोई और ऑर्डर की गारंटी नहीं है ऐसा मत समझना कि मिन प्रायोरिटी क्यों का मतलब फाइव सेवन टेन इस ऑर्डर में एलिमेंट्स है नहीं सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की सिर्फ फ्रंट पे जो है वो प्रोसेस पहले होगा इतनी गारंटी होती है ठीक है पोल है, करते हैं पोल का क्या मतलब होता है रिमूव करना तो अगर मैंने फाइव टेन सेवन इस वक्त मेरी प्रायोरिटी क्यू ऐसे दिख रही है अगर मैं पोल कर दू तो भाई ये तो पक्का है कि जो चीज पोल होगी वो फाइव है है हंड्रेड परसेंट क्योंकि फाइव ही इस वक्त सबसे छोटा है पोल करने के बाद अब प्रायोरिटी क्यू में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला एलिमेंट कौन सा होगा टेन या सेवन देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें ऐसा लग रहा है कि फाइव के बाद टेन पड़ा हुआ है बट इस ऑर्डर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना नंबर से फर्क पड़ता है कि यार जो छोटा होगा वो पहले प्रायर तो इफ यू प्रिंट द प्रायरिटी क्यू एंड द टॉप एलिमेंट यू विल सी कि फ्रंट पे सेवन आने वाला है अब फिर से प्रिंट करते हैं ठीक है ये वाला पोल वाला फाइव है ये ये फाइव आ गया फिर प्रायरिटी क्यू प्रिंट करी जब हमने फाइव को रिमूव करने के बाद तो वो सेवन टेन प्रिंट हुई और जो टॉप पे एलिमेंट हमने पिक करके देखा वो सेवन है ठीक है तो जब भी आप रिमूव करोगे ये इम्प्लीमेंटेड ही इस तरीके से होती है कि रिमूव करने के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना यार वही फ्रंट पे आ जाता है ठीक है प्रायोरिटी क्यू इस तरह से यूज होती है काफी इम्पोर्टेंट है काफी मस्त चीज है प्रायोरिटी क्यू ठीक है और एक और चीज हाँ दिस इज मिन प्रायोरिटी क्यू सिमिलरली हम लोग मैक्स प्रायोरिटी क्यू भी बना सकते हैं जो कि बड़े नंबर को बड़ा माने बड़े नंबर को बेसिकली प्रायोरिटी दे ठीक है तो लेट्स मेक लेट्स की कैसे बन सकती है एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू कस्टम कंपेरिटर नाम की एक चीज होती है जो हम यहां पर पास करते हैं की ठीक है ऐसा करने से मैक्स प्रायोरिटी क्यों बन जाएगी अब टॉप पे सबसे बड़ा एलिमेंट होगा फाइव नहीं होगा टेन रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखो अब पे क्या है टेन है और प्रायोरिटी क्यों टेन फाइव सेवन है टेन रिमूव कर दिया टेन के बाद फिर सेवन है क्योंकि टेन के बाद बड़ा नंबर कौन सा है सेवन है ना तो इस बार टॉप पे सेवन रहेगा ठीक है और यार ये तो सिर्फ नंबर के बेसिस पे हो गया कि क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स पड़े हुए थे क्यू क्यूंने इंटीजर की बनाई थी कई बार स्ट्रक की किसी और टाइप की भी बनती है सो कस्टम कंपेरिटव भी पास किए जा सकते हैं ठीक है कि यार एज लेट्स से स्टूडेंट का आपने एक स्ट्रक बनाया हुआ है कि स्टूडेंट की एज के बेसिस पे उनको कुछ करना है तो कस्टम कंपेरिटर पास किए जा सकते हैं कस्टम कंपेरिटर हम लोग बाद में देखेंगे लाइक like, प्रायरिटी क्यू वाले लेक्चर में भी आप, आप लोग देख सकते हो वो चीज एंड

यार एक डेक होता क्या है डेक इज डबली एंडेड क्यू एक क्यू ही है ठीक है बट डबली एंडेड है अभी तक जो हमने स्टैंडर्ड क्यू देखी थी उसमें क्या होता था हम रियर एंड पे एंट्री करते थे और फ्रंट एंड से एग्जिट दिलवाते थे रिमूवल इस एंड से होता था और एंट्री एडिशन एक एंड से हो सकती थी बट डबली एंडेड क्यू में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यार हम रियर एंड से भी एडिशन भी कर सकते हैं और रिमूवल भी कर सकते हैं और जो फ्रंट एंड है या जिसको हम हेड बोलते हैं हेड ऑफ द क्यू बोलते हैं वहां से भी हम एडिशन भी कर सकते हैं और रिमूवल भी कर सकते हैं ठीक है तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों चीजें हम कर सकते हैं आप रियर से एंटर करो एग्जिट करो फ्रंट से एंटर करो एग्जिट करो सब कुछ अलाउड है दैट इज अ डबली एंडेड क्यू कॉल्ड एज डेक ठीक सो so, इजेंशली यार ये काइंड kind ऑफ of हमें स्टैक और क्यू दोनों की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रही है डेक ठीक है तो डेक इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास एरे डेक है एंड ये सारे मेथड्स इसके अंदर है। देखो ऐड फर्स्ट लास्ट देखोगे कि सबके गेट फर्स्ट गेट लास्ट पोल का भी पोल फर्स्ट पोल लास्ट क्योंकि दोनों तरफ से पॉसिबल है इसलिए दोनों तरह के मेथड्स हमारे पास प्रेजेंट है ठीक है पीक फर्स्ट पीक लास्ट क्विकली इसका एक बार हम लोग डेमो देख लेते हैं स्टार्टिक वर्ड डेक एग्जाम्पल्स यू कैन मेक अ डेक यूजिंग द एरेडेक क्लास राइट सर यहां पर आप इंटरफेस का नाम भी लिख सकते हो इस तरह से डेक या फिर आप यहां पर एरेडेक क्लास का नाम भी लिख सकते हो बोथ ऑफ देम आर ओके ठीक है सो नाउ वी कैन डू एड फर्स्ट एंड एड लास्ट बोथ ठीक है तो एड फर्स्ट करते हैं one. साथ साथ एक बार साथ साथ ना रिप्रेजेंट करते हुए चलते हैं कि हो क्या रहा है। रियर पार्ट तो हमने फ्रंट से ना वन एंटर किया ठीक है नाउ लेट्स एड समू एड कर देते हैं सो so, टू अगर आप फ्रंट से एड करोगे ना तो टू यहाँ एंटर होगा टू यहाँ नहीं होगा ठीक है ये हमने एड फर्स्ट किया है ये हमने एड फर्स्ट किया है अब एक काम करते हैं कुछ एड लास्ट करते हैं वी वॉन्ट टू एड समी को रियर एंड पे एंटर करेंगे तो लास्ट ठीक सो नाउ द क्यू लुक्स लाइक दिस द डेक लुक लाइक दिस सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई डू पीक फर्स्ट तो उसका रिजल्ट टू आएगा इफ आई डू पीक लास्ट उसका रिजल्ट थ्री आएगा एक और एलिमेंट एंटर कर लेते हैं फोर एंटर करते हैं ठीक है तो आप इस पॉइंट पे अगर प्रिंट करोगे डेक को सो यू विल सी दैट इट लुक्स लाइक टू वन थ्री फोर पहले इतना ही वेरीफाई करते हैं एंड देन मूव लेट्स मूव फॉरवर्ड उसके बाद रिमूव so कर करना है तो पोल फर्स्ट पोल लास्ट फंक्शन यूज कर सकते हो तो हम लोग क्या करते हैं पोल फर्स्ट पोल लास्ट करते हैं पोल फर्स्ट करोगे तो टू आ जाएगा है ना और वो लास्ट करोगे तो हमारे को फोर मिलेगा और फोर रिमूव भी हो जाएगा क्योंकि पोल से रिमूव होता है पीक से सिर्फ झांकते हैं फोर एंड इस पॉइंट के बाद इफ यू प्रिंट दिस डेक इट विल लुक लाइक वन थ्री ओनली बिकॉज टू और फोर अपने आगे पीछे से हमने हटा दिए ठीक है लेट्स रन इट एंड सी इफ दी एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच दी आउटपुट टू वन थ्री फोर टू फोर वन थ्री लुक्स गुड सो दिस इज वॉट अज मूविंग ऑन टू द लिस्ट इंटरफेस हमने देख लिया कलेक्शन के अंदर कलेक्शन इंटरफेस में क्यू देख लिया अब हम देखेंगे सेट इंटरफेस काफी बढ़िया चीज है सेट बहुत यूज आती है में, है में ना तो सेट के अंदर सॉर्टेड सेट नाम का सब इंटरफेस है जो हमको देखना है यहाँ देख लो सॉर्टेड सेट इंटरफेस के अंदर सॉर्टेड सेट सब इंटरफेस है और दो क्लासेस हैं ये हैश सेट लिंग हैश सेट जो कि सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं एंड ट्री सेट इज आल्सो अ क्लास विच सॉर्टेड सेट अगेन कलरिंग के हिसाब से व्हाइट वन इज इंटरफेस दिस इज सब इंटरफेस एंड दीज आर क्लासेस विच आर इम्प्लीमेंटिंग दीज पहले यहाँ पे देखो अ कलेक्शन दैट कंटेन्स नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स यही होता है सेट सेट एग्जैक्टली इज द सेम थिंग एक ऐसा कलेक्शन जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते तो जो सेट का सेलिंग पॉइंट है वो यूनिकनेस है जबी भी हमें यूनिकनेस चाहिए होती है वी यूज अ सेट ठीक है अब सेट के यार कुछ वेरिएशन है ये हम देखेंगे और ट्री सेट एकदम क्लासिक सेट है इसके अंदर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है पहली बात तो ये अनऑर्डर्ड होता है दूसरा सारी वैल्यूज यूनिक होती है ठीक है सेट को पहले हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं फिर बाद में एक एक करके देखते हैंड सेट खोलते हैं ठीक है सो दिस इज देश सेट क्लास इसके अंदर यू कैन सी द मेथड्स एड क्लियर क्लोन कंटेंट्स जो हमारे स्टैंडर्ड कलेक्शन वाले मेथड्स है ना वो सारे इसके अंदर अवेलेबल है ठीक है तो सेट इंटरफेस अब हमको देखना है सो लेट्स चेंज द क्लास सेट इंटरफेस एग्जाम्पल्स क्लास में आ जाते हैं हम लेट्स मेक अ मेथड पी एस वी एम मेन मेथड बनाते हैं और एक हैश सेट बनाते हैं ट ऑफ इंटीरियर्स सेट कॉल लेट्स है क्लियर है ना सारे एलिमेंट्स यूनिक होंगे कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी है अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है ये अभी हमको समझ आएगा ठीक है ऐड करने के लिए सेम फंक्शन यूज करेंगे Stack, uh, में आपने वन ऐड किया ठीक सेट में आपने टू ऐड किया सेट में आपने थ्री ऐड किया ठीक है इस पॉइंट के बाद आप सेट को प्रिंट करो तो आपको दिखेगा कि सेट में वन टू थ्री तीन एलिमेंट्स हैं। अब हमारी सेट की क्या प्रॉपर्टी है कि यार इसके अंदर ना, ना डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते तो लेट्स से कि मैं वन फिर से एंटर कर लेट्स एंटर वन अगेन एस टी डॉट एड एस टी डॉट एड वन दो तीन बार कितनी बार भी यार वन एंटर कर लो आप ठीक है टू भी दो एक और बार टू भी ऐड कर लेते हैं ठीक है अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्या रहेगा ये एक नॉर्मल कलेक्शन होता तो इसमें तीन बार वन आता दो बार दो आता और एक बार तीन आता राइट बट ऐसा नहीं है बिकॉज इट इज अट इट इज अ सेट एंड इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेनिंग यूनिक एलिमेंट्स सो इस पॉइंट पे जब हम प्रिंट करेंगे ना सेट को तो सेम वन टू तो थ्री रहेगा ठीक है रन करके इस चीज को वेरीफाई करते हैं देख लो पहले भी वन टू थ्री था फिर भी वन टू थ्री है सो so, ये है सेट की प्रॉपर्टी ऑफ कीपिंग यूनिक एलिमेंट इन इट हम और कुछ फंक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं सेट के सेट से रिमूव करते हैं चलो सेट डॉट रिमूव टू रिमूव कर देते हैं ठीक है वन और थ्री बचेगा सेट डॉट रिमूव टू और एक कंटेन्स फंक्शन भी होता है सेट डॉट कंटेन्स जिससे हमें पता लगाना है कि यार सेट के अंदर क्या वन है टू है कोई वैल्यू है या नहीं है तो लेट्स से फाइव पता लगानी है तो फॉल्स राइट एंड क्योंकि हमने टू रिमूव किया है चलो टू ही देखते हैं तो भी फॉल्स ही आएगा क्योंकि हमने टू अभी अभी रिमूव कर दिया ठीक है एंड वी कैन गेट द साइज ऑफ द सेट कि भाई क्या करंटली साइज क्या है सेट का ठीक है एक एलिमेंट रिमूव किया था दो साइड सेट का साइज होगा नॉलेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी इफ इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड सो द सेट हैज बीन प्रिंटेड एज वन टू थ्री आर द वैल्यूज इन द सेट डुप्लीकेट एलिमेंट एड करने के बाद भी डुप्लीकेट एंटर नहीं हुए थ्री ही रहेगा इसका गौरथम इतना स्मार्ट है कि अगर इसमें आप ऑलरेडी वन एक्सिस्ट कर रहे हो दोबारा वन एक्ट डालोगे तो इट विल नॉट एक्सेप्टेड या फिर उसको वो एक ही तरीके से रखेगा नॉट एंटर टू वन एक ही वन रहेगा ठीक है एंड फॉल्स बिकॉज टू डज नॉट एक्सिस्ट इन द सेट एंड फाइनली द साइज ऑफ द सेट टू सो दीज आर द मेन फंक्शंस डेट वी वॉन्टेड टू सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हेडसेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं अब अनऑर्डर्ड का क्या मतलब है उसके लिए हम कुछ और एलिमेंट्स एंटर करते हैं एंड प्रिंट करते हैं तब हमको अनऑर्डर्ड का मतलब अच्छे से समझेगा ठीक है फोर्टी एट फिफ्टीन टेन सिर्फ सेट को प्रिंट करते हैं बाकी सारी चीजें हम लोग हटा देते हैं फॉर नाउ ठीक सो so, देखो यहां पर जो प्रिंट हुआ फोर्टी एट वन टू थ्री टेन फिफ्टीन और जो एड किया था वो वन टू थ्री फोर्टी एट फिफ्टीन टेन था लाइक ऑर्डर इज एंटायरली रेंडम कुछ भी ऑर्डर में प्रिंट हो गया है सो बेसिकली अनऑर्डर्ड का मतलब ही ये है कि आपने जिस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट किए हैं ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे ठीक है दिस इज वॉट इज मेंट बाय अनऑर्डर्ड ठीक अब यार ये जो हैश सेट होता है ना ये इंटरनली हैशिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा होता है टू स्टोर द वैल्यूज सो दिस हैश सेट यूजेस हैशिंग इंटरनली सो जब भी हम लोग कोई एलिमेंट ऐड करते हैं सेट के अंदर उसका एक हैश जनरेट होता है हैश कुछ नहीं होता एक सीक्रेट वैल्यू जनरेट होती है एक सीक्रेट की जनरेट होती है एक हैश फंक्शन को यूज करके ठीक है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर एलिमेंट ऐड होता है और अगर फिर से हम लोग वन एंटर किया वन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई हैश जनरेट हुआ ठीक है आप फिर से वन एंटर करते हो और वन के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से सेम से हैश जनरेट होता है क्योंकि एल्गोरिथम दोनों के केस में सेम हैश फंक्शन जो यूज हो रहा है वो सेम है ठीक है इसलिए डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं एंटर हो पाते हैं एंड ये जो हैशिंग का कॉन्सेप्ट है जो अगला वन शॉट आने वाला है वो हैश मैप्स का ही आने वाला है तो हैशिंग का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो अगले वन शॉट में ठीक है अगली चीज यार लिंकड है लिंगड हैसेट इज अनदर टाइप ऑफ हैसेट लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज की गारंटी है अपार्ट फ्रॉम द हैसेट जो एक अलग चीज है वो ये है कि यार आप यहाँ पर जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को एंटर करोगे ठीक है जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स एंटर होंगे उसी ऑर्डर में प्रिंट करते वक्त हमें मिल भी जाएंगे ठीक है सो इवी प्रिंट दिस नाउ विल सी की ऑर्डर प्रिजर्व हो गया ठीक वन टू थ्री फोर फोर्टी एट फिफ्टीन टेन सो लिंग्ड हाशसेट में क्या होता है यूनिक वाली प्रॉपर्टी अभी भी है वो तो यार सेट इंटरफेस की यूनिकनेस है ये सारे टाइप ऑफ सेट्स ही हैं तो यूनिक तो तीनों ही केस में रहेगा इस केस में अनऑर्डर्ड है ठीक है इंटरनली हैशिंग यूज हो रही है यूज हो रही है इस केस में इंटरनली लिंक लिस्ट प्लस हेस्टेबल का कुछ यूज हो रहा है ठीक है लिंक लिस्ट प्लस हेस्टेबल टाइप्स यूज हो रहा है बिकॉज वी आर एबल टू प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन तो इसमें ऑर्डर ऑफ इंसर्शन प्रिज़र्व होता है ठीक है एंड लिंक लिस्ट लिंक लिस्ट में एक के बाद एक वी आर एबल टू प्रिज़र्व राइट सो लिंक लिस्ट प्लस हैश टेबल एंड फाइनली वी हैव ट्री सेट व्हिच कम्स अंडर द सॉर्टेड सेट सब इंटरफेस इससे ही आपको पता चल गया होगा कि सॉर्टेड सेट सब इंटरफेस के अंदर है तो ट्री सेट की प्रॉपर्टी है कोई भी आप एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में डाल दो ठीक है इट विल कीप देम इन सॉर्टेड ऑर्डर एग्जाम्पल देखते हैं देखो यहां पर अगर हम इसे ट्रीसेट कर दें सो वॉट वी विल फाइंड दिस प्रिंट करने के ऊपर वी विल फाइंड कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर मिल गया हमें ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में वन टू थ्री टेन फिफ्टीन फोर्टी आपने जिस भी ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट किए थे इट डजेंट मैटर इट विल ऑलवेज प्रिजर्व द सॉर्टेड ऑर्डर और यार ये इंटरनली इसका नाम ट्री सेट है ठीक है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये इंटरनली एक ट्री यूज करता है इनफैक्ट इट यूजेस अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बी एस बाइनरी सर्च ट्री ट्रीज का डेटा ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर अभी आप लोगों का आने वाला है अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और ये इन तीनों में इन सब, कम, सबसे कम इफिशियंट है इसके अंदर जो इंसर्शन और रिट्रीविंग का टाइम है वो कॉन्स्टेंट है ओवन टाइम में हो जाता है इन एवरेज केस ठीक है इसमें लॉग इन टाइम लगता है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड की वाई ज इट सो इसका टाइम ओवन क्यूं है जब आप हैशम शॉट देखोगे उसके लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि वाई इज दिस ओवन एंड जब ट्रीज पढ़ोगे तब तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि, कि तो लॉग इन कैसे है ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेट ठीक है ओवरव्यू सेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहते प्रॉपर्टी सेट की यूनिकनेस है तीन तरह के सेट हैशसेट

this example this is an exercise let's see what it is declare an array list and add elements to it display elements remove third element display the final elements हमने एरे लिस्ट में ऐसी सिमिलर चीजें कर ली हैं तो आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ एंड दिस इज इजी राइट मूविंग ऑन टू द मैप इंटरफेस मैप क्या होता है पहली बात तो यार देखो एक बार हम कलेक्शन हायरार्की के चार्ट पे जाते हैं मैप इंटरफेस एक अलग इंटरफेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की में एक कलेक्शन इंटरफेस है एक मैप इंटरफेस है तो कलेक्शन एक अलग है और मैप अलग है कलेक्शन और मैप यार अलग अलग क्यों है कलेक्शन में यार ना एक सिंगुलर वैल्यूज डाल के के स्टोर कर रहे हैं मैप अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं की वैल्यू पेयर की मैपिंग होती है मैप के अंदर मैप क्या होता है एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें की वैल्यू पेयर्स की मैपिंग होती है फॉर एग्जांपल हमें रोल नंबर स्टोर कराने हैं सो वन वन रोल नंबर है ठीक है और रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमने स्टूडेंट नेम सेव कराना है कई बार बहुत सारे यूज केसेस होते हैं जब हमें key value pairs की वैल्यू पेयर की मैपिंग चाहिए होती है है ना टू टू लेट्स से रिया थ्री लेट्स से रोहन तो इस तरह की key value pair की वैल्यू पेयर की मैपिंग ऑल्सो देखो यार यहां पे यहां पर मैंने की को एज इंटीजर यूज किया है और वैल्यू को एज स्ट्रिंग ये कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आप यहाँ की को एज इंटीजर रख सकते हो वैल्यू को स्ट्रिंग रख सकते हो दोनों को स्ट्रिंग रख सकते हो एक को स्ट्रिंग एक को इंट रख सकते हो बेसिकली यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इनफैक्ट आप कस्टम स्ट्रक्ट कस्टम टाइप्स भी बना करके स्टोर करा सकते हो ठीक है इसमें खास बात यह है कि जो कीज होती है ना ये हमेशा यूनिक होती है एक मैप के अंदर अगर वन नाम की की है तो वो एक ही वन होगा मतलब वन के कॉरस्पॉन्डिंग अमन रखा है ना तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ और नहीं आ सकता वन के कॉरस्पॉन्डिंग अमन है तो वन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं कि वन बेसिकली दो चीजों को पॉइंट नहीं कर सकता दैट इज वट इट इज वॉट वट यूनिकनेस मीन्स हम अगर वन के बाद अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर ऑलरेडी वन की वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है है ना और हम एक और वन ऐड करेंगे तो वन अपडेट नहीं होगा वन uh, एक और नया वन एड नहीं होगा दैट इज वॉट विल सी इन द एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको कोर्ट में बट दिस इज वॉट इज इजेंशियली ठीक है मैप इंटरफेस के अंदर नाउ इन द मैप इंटरफेस लेट्स एंड सब इंटरफेट वी वॉन्ट टू सी सेट हमने देख लिया मैप ओके सो मैप इंटरफेस का हमें खोलना पड़ेगा

So, एंट्री so, करानी है तो पुट इज द मैथड इज यू यूज आप पुट को की और वैल्यू दोनों पास कर दू मैप में एंट्री हो जाएगी ठीक है गेट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू टू गेट द वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक की ठीक की सेट से आपको सारी कीज मिल जाएंगी सारे मेथड्स जो हाईलाइटेड है उनको हम लोग यूज करके देखेंगे ठीक है सो so, अभी लेट्स नॉट गो ओवर देम ऐसे कोड में ही डायरेक्टली करेंगे ठीक है बट एसेंशियली दीज आर द काइंड ऑफ मेथड्स जो कि थोड़े डिफरेंट है मैप इंटरफेस के अंदर देर आर ऑब्वियसली की वैल्यू एक एंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर है स्टोरेज का ठीक है तो लिस्ट से कलेक्शन uh, से अलग भी हमारे पास यहाँ पर मेथड्स अवेलेबल है ठीक है हैश मैप से शुरू करते हैं So let's go and move to map interface examples. We will be making a map of, let's say, integer and string only. Map new.

थ्री वन अमन रोहन टू लेट्स प्रिंट एक बार की वॉट इज इट अभी तक हमने जितना इंटर कर दिया है लेट्स जस्ट प्रिंटेड पुट एक मेथड है जो हमने अभी तक यूज किया है सिर्फ सो द मैप लुक्स लाइक दिस वन रोहन टू रिया एंड थ्री रिया थ्री अमन क्योंकि हमने तीन वैल्यूज एंटर की थी पुट इज वन मेथड अगर रिट्रीव करनी है किसी की के कॉस्पॉन्डिंग वैल्यू सो वी विल यूज गेट फॉर इट सो एस आउट मैप डॉट गेट टू ठीक है सो so, इससे हमें रिया मिलने वाला है क्योंकि टू के कॉरेस्पॉन्डिंग रिया एंटर हुआ था ठीक पुट हो गया गेट हो गया वॉट एल्स वी वॉन्ट टू सी कंटेन्स की कंटेन्स वैल्यू ये दो फंक्शन और हैं ठीक है कंटेन्स की आपको बताएगा ये एक बुलियन रिटर्न करेगा कि यार क्या ये की एग्जिस्ट करती है सो इफ आई डू फोर हर क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पर फॉल्स आएगा ठीक है सिमिलरली की के जैसा ही एक कंटेन्स वैल्यू भी है कंटेन्स वैल्यू और लेट्स आस्क की रिया एग्जिस्ट करता है यानी तो ये चीज ट्रू देगी ठीक है इतना पहले रन करते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड विद अदर फंक्शन सो रिया फॉल्स ट्रू बिल्कुल सही आ रहा है दैट एक्सपेक्टेड इसको कॉमेंट करते हैं एंड लेट्स सो एज आई टोल्ड यू की यार यूनिक होनी चाहिए ना सारी कीज लेट्स सी कि हम अगर एक डुप्लीकेट की एंटर करते हैं तो क्या होता है मेरे पास रोल नंबर वन पे मैं कुछ और एंटर कर रही हूँ ठीक है तो अगर मैंने ऐसा कर दिया है सो वॉट विल है अमन और प्रिया दोनों नहीं exist कर सकते। तो तो लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? के तो ना अमन से हटके प्रिया आ गया विच मींस की इफ वी डू समथिंग लाइक दिस द पास्ट वैल्यू द ओल्डर वैल्यू इज ओवर रिडन बाय द न्यू वैल्यू एंड इफ वी डू नॉट वॉन्ट ओवर राइडिंग है ना तो देर इज अ फंशन कॉल्ड एज पुट इफ एबसेंट सो दिस इज दिस फंक्शन ये क्या करेगा कि अगर की अगर प्रेजेंट नहीं है तो ही वो उसको एंटर करेगा सो इफ वी डू इट की जगह इफ एबसेंट तो अब वन के कॉरस्पॉन्डिंग रोहन दाना रोहन ही रहेगा प्रिया नहीं होगा रन करके टेस्ट कर लेते हैं इसको सो वन इज रोहन टू इज रिया थ्री इज अमन प्रिया एंटर हुआ ही नहीं क्योंकि हमने पुट इफ एबसेंट मेथड यूज किया है ठीक है so that that is another method that I wanted to show you and entry set okay let's सो दैट इज अनदर मेथडेड एंट्री सेट क्या होता है मैप जैसे print हो रहा था न, entry set से भी पूरा सेट व्यू प्रिंट हो जाता है ऑफ द तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं अगर मैं एंट्री सेट प्रिंट करने लग जाऊ सो वी विल गेट द होल की एंड वैल्यू पूरा का पूरा मिल जाएगा ठीक है वन इजरो वन टू री अम ठीक है नाउ समटाइम्स वॉट वी वॉन्ट इज हमें सिर्फ कीज की जरूरत होती है तो उसके लिए यार देखो ये मेथड होता है की सेट रिटर्न सेज कंटेंट सो इफ वी डू की सेट एंड सिमिलरली की सेट के जैसा एक और फंक्शन है वैल्यूज इससे सिर्फ वैल्यूज मिल जाएंगी ठीक है तो मैप डॉट वैल्यूज ठीक है आप इसको प्रिंट करके देखते हैं सो so, कीज आ गई वन टू थ्री और वैल्यूज आ गई रोहन रिया अमन ठीक नाउ वी हैव ओके हमने प्रिंट करके देख लिया है लेट्स ऑल्सो आइट्रेट ओवर अ मैप मान लो कि आपको कीज के अक्रॉस सिर्फ कीज के अक्रॉस आइट्रेट करना है ठीक है सो वॉट यू विल डू इज आइट्रेटिंग ओवर कीज इन मैप अब कीज हमें किस फंक्शन से मिलती है वो हमें पता है की सेट ठीक है सो फॉर ईच इंटीजर इन मैप डॉट की सेट वी कैन जस्ट डू एस आउट आई राइट सो आप देखोगे कि वन टू थ्री इससे प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल वन टू थ्री सेम गोज फॉर वैल्यूज अगर वैल्यूज के ऊपर आइटरेट करना था तो मैप डॉट वैल्यूज कर दो यहाँ पे ठीक है जब वैल्यूज के ऊपर करोगे ना तो देखो एक बार मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ मैप डॉट वैल्यूज तो यार यहां पे कुछ ना एरर आ रहा है एंड इफ यू रीड इट इट विल से कि रिक्वायर्ड टाइप इज स्ट्रिंग ये इतना इंटेलिजेंट है ये समझ पा रहा है रन कंपाइल किए बिना ही कि यार वैल्यूज का जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग है तो हम उसको इंटीजर में रीड करके नहीं प्रिंट कर सकते वी विल हैव टू राइट है तब आप यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर राइट कर पाओगे ठीक है

नाउ इफ वी वॉन्ट टू आइट्रेट ओवर की वैल्यू मैपिंग यार मैपिंग हमें मिलती कहाँ से है वी नो एंट्रीज हमें कहाँ से मिल रही है हमने एक एंट्री सेट करके फंक्शन देखा था ना एक एंट्री सेट मेथड देखा था हमने एंट्री सेट हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर वेरिएबल ई इन मैप डॉट एंट्री आपको पूरा प्रिंट करना है ठीक है पूरा प्रिंट करना है तो आप पूरा प्रिंट कर सकते हो इफ यू विल प्रिंट दिस सो पूरी मैपिंग साथ साथ वन रोहन टूरिया थ्री अमन प्रिंट हो जाएगा बट वॉट इफ आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट द कीज मेरे को सिर्फ कीज से कीज से ही काम है सो ई डॉट गेट की ई डॉट गेट की मेथड देयर तो ई डॉट गेट की करोगे तो वन टू थ्री आएगा डॉट गेट वैल्यू करोगे तो सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगी वैल्यू कर दो इसको ठीक है तो यार ये हो गया हमारा हैश मैप हैश मैप के बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज लिंक्ड हैश मैप अगर आप सेट से रिलेट कर पाए हो तो यार लिंक्ड हैश मैप में वही सेम कॉन्सेप्ट आएगा जो कि लिंक्ड हैश सेट में हमने पढ़ा था क्या अलग है इसमें अनऑर्डर्ड है इसमें अनऑर्डर्ड है इसमें ऑर्डर ऑफ इंसर्शन प्रिजर्व हो जाएगा ठीक है अभी हमने देखो थ्री वन टू एंटर किया था लेकिन जब हम प्रिंट कर रहे थे तो वन टू थ्री ऑर्डर आ रहा था कुछ भी ऑर्डर आ रहा था ठीक है बट इफ वी यूज लिंक्ड हैश मैप मैं यहाँ पर हैश मैप की जगह अगर लिंक्ड हैश मैप कर दो ठीक है तो अब थ्री वन टू ही आएगा इफ आई प्रिंट इट ठीक है प्रिंट कर देते हैं एक बार तो लिंक्ड हैश मैप ये होता है देख लो थ्री वन टू ही आएगा ऑर्डर प्रिजर्व होगा अब राइट सो दिस इज व्हाट अ लिंक्ड हैश मैप इज लिंक्ड हैश मैप के बाद ट्री मैप है गेस करो ट्री मैप में क्या होगा ट्री मैप में सॉर्टेड ऑर्डर होगा सॉर्टेड किसके हिसाब से सॉर्टेड होगा सर कीज के हिसाब से ठीक है कीज के अकॉर्डिंग न्यू ट्री मैप अब हम प्रिंट करेंगे ना तो यहां पर 1 2 3 आएगा

जो हम यूज करते हैं उसमें से हमने सारे इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस सारी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस उनके इंपॉर्टेंट मेथड्स सारे डिमोन्स्ट्रेट करके देखे ठीक है आई होप कि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल गया है अब कि हम जो यूज करते जा रहे हैं वो चीजें एग्जिस्ट कहाँ करती हैं और आपको आई होप कि ये जो मैंने आपको जावा की डॉक्यूमेंटेशन दिखाई है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी इन माई ओपिनियन इट इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज टू रेफर कुछ भी देखना है सोर्स ऑफ ट्रुथ वही है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में यार हम लोग हैश मैप्स पढ़ने वाले हैं कैश मैप्स का वन शॉट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वर्क